थैंक यू रजत सर, आपका लाइफ स्टोरी इंडीड काफ़ी इंस्पिरेशनल है। और तो उसी से हम स्टार्ट करते हैं। तो आपने जो कहा, जो आपका फर्श से अर्श वाला जो आपका जो जर्नी था, जो आपके चाइल्डहुड काफ़ी हम्बल बिगिनिंग से थी, काफ़ी मेरे को रिमाइंड किया ईश्वर चंद्र विद्यासागर के स्टोरी के बारे में, स्पेशली जो आप रेलवे स्टेशन में लाइट के अंदर आप पढ़ाई करते थे। तो आपके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस ने आपका वर्ल्ड व्यू कैसे शेप किया है, और वो इन द वे यू डील विथ न्यूज, हाउ डज वो कैसे अफेक्ट करता है? देखिए, चाइल्डहुड में तो कभी सोचा नहीं था कि न्यूज करेंगे या टीवी पर जाएंगे। एक घटना ऐसी हो गई, हमारे घर में बिजली नहीं थी तो टीवी भी नहीं था। तो उस जमाने में आप लोगों को बिल्कुल अंदाजा नहीं होगा, उस जमाने में सिर्फ एक दूरदर्शन होता था और उस पर फिल्में आती थी। आधी फिल्म सैटरडे को दिखाते थे, बची हुई फिल्म संडे को दिखाते थे। तो हमारे पड़ोस में एक घर में टीवी था, उस घर में हम जाते थे देखने। तो सैटरडे को मैं गया, संडे को जब गया तो उन्होंने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया, बहुत खटखटाया, दरवाजा नहीं खोला। अब मैं घर वापस आया, दुखी होके, आंख में आंसू थे। बाबूजी ने पूछा, क्यों क्यों रो रहे हो? तो मैंने कहा कि मैंने वो शहीद भगत सिंह की फिल्म थी, आधी देखी थी और दूसरी देखने गए थे और उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया। तो उन्होंने कहा, तुम किसी दूसरे के घर में किसी तीसरे को देखने जाते हो, अगर दम है तो कुछ ऐसा करो कि तुम टीवी पर आओ, लोग तुम्हें देखें। अब ये बात कहीं जहन में रह गई थी। तो कोई पर्सपेक्टिव नहीं था, कोई सपना नहीं था, कोई अंदाजा नहीं था, कोई मीडिया से कोई संबंध नहीं था। लेकिन आज इस मुकाम पर आकर मुझे लगता है कि मीडिया की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सच्चाई को लोगों के सामने रखना। क्योंकि हमारे चारों तरफ, स्पेशली सोशल मीडिया की वजह से, इतना कुछ इंफॉर्मेशन हो रही शुरू है। शुरुआत के दिनों में ये नहीं था, जब ने आपके अदालत शुरू किया था या एनडीटीवी शुरू किया था तब नहीं था, लेकिन पिछले 10 साल में और खासतौर से पिछले 5 साल में फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज कमिंग टू द यंगर जनरेशन फ्रॉम ऑल साइड्स, एंड वी वंडर वेदर दिस इज राइट और दिस इज रॉन्ग। एवरी डे आई गेट मैसेजेस, पीपल आस्क मी, सर दिस इज द वीडियो, प्लीज कैन यू चेक वेदर दिस इज राइट और रॉन्ग। सम वीडियो विच रिलेट टू बांग्लादेश इट इज शोन टू एज इंडिया विजुअल, समथिंग विच relate to Uzbekistan as shown as India's visual, and we really feel bad. So मुझे लगता है आज हमारे यहाँ जो global challenge है, not only for India, for anywhere in the world, the biggest challenge today we have is to give viewer the accuracy of news, to be able to tell them to sift between what is right, what is wrong, what is viral, and what is actually truthful. This is probably is the biggest challenge. Right. तो आई मीन कमिंग टू दैट, तो आजकल लाइक स्पेशली क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज़ का ज़माना है, सबको यू नो हेडलाइन सबसे पहले ब्रेक करना होता है। तो मे बी दैट कुड बी पार्ट ऑफ द रीजन के ऑफन यू नो बिग न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस माइट फॉल प्रे टू पुटिंग आउट अ वीडियो जो बाद में पता चलता है फेक न्यूज़ है। एंड फिर अभी ऐसा हो गया कि अभी ट्विटर पे कुछ हैंडल्स है, वो लोग सब फैक्ट चेकर बन गए। तो मेन स्ट्रीम मीडिया को क्या करना चाहिए टू इनकॉर्पोरेट मोर फैक्ट चेकिंग इनटू You know, their normal process. देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया में दो है, एक तो न्यूज़पेपर है। राइट, न्यूज़पेपर के लिए इतनी मुश्किल नहीं है क्योंकि न्यूज़पेपर हैज़ अ लॉट ऑफ टाइम। वहां कोई स्टोरी आती है, उसको एक असिस्टेंट एडिटर देखता है, फिर एडिटर देखता है, एक हेडलाइन लगती है और अगले दिन अखबार में छपती है। दे हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू गो थ्रू, एंड देयर आर, आई हैव वर्कड इन प्रिंट मीडिया सो आई नो देयर चेक्स एंड बैलेंसेस। टीवी में रिफ्लेक्शन टाइम बहुत कम, यू गेट सम वीडियो एंड यू वॉन्ट टू पुट इट ऑन एयर, because if you don't put it on air, your rival will put it, and you will be lagging behind. मैं आपको एक, और लेकिन इसमें मुझे लगता है कि हम सबको अपनी जजमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए, एडिटोरियल जजमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जब ये हमारे अभिनंदन को पाकिस्तानी फौज ने पकड़ लिया था, उस समय उन्होंने शुरू में वहां जो पब्लिक थी उसने उनको मारा पीटा, तो वीडियोस आए सामने जिसमें उनके मुंह से खून निकल रहा है, पब्लिक उनको मार रही है। अब ये बड़ा डायलेमा हमारे सामने था कि हम इसको दिखाएं कि नहीं दिखाएं। दिखाएं तो लगता है कि हमारी जो फौज है एक डिमोरलाइजेशन की, तो तब तक ये नहीं पता था वो चूक जाएंगे, बाद में तो ठीक हो गया। लेकिन मैंने ये फैसला लिया नहीं दिखाएं, और लेकिन वो सोशल मीडिया पर वो चीजें वायरल होने लगी, बहुत सारे सवाल उठे, भाई जब ये सच्ची सिचुएशन है आप क्यों नहीं दिखाते। मुझे लगता है कि सच दिखाना चाहिए,
लेकिन सच के साथ साथ हमारा जो देश के प्रति, हमारा जो लोगों के प्रति एक, एक जज्बा है, उसको नहीं भूलना चाहिए। दूसरा, ये टीवी के लिए बड़ा चैलेंज है, हम जब भी कोई न्यूज दिखाएं उसको एक बार चेक कर लें, आप दूसरे अपने राइवल से 5 मिनट लेट हो जाए तो कोई बात नहीं। दिस इज माई इंस्ट्रक्शन टू इंडिया टीवी एडिटोरियल टीम, आप 2 मिनट देर हो जाए मैं आपको कभी ब्लेम नहीं करूंगा, लेकिन आप गलत खबर अगर आप चलाएंगे तो मैं आपको ब्लेम करूंगा। और दूसरी बात मैं कहता हूं, मान लीजिए कि आपसे कोई गलत खबर चल गई, मान लीजिए कोई चीज आपने दिखा दिया, तो इमीडिएटली माफी मांग लीजिए तुरंत। उसमें ये प्रेस्टीज पर, ईगो पर बैठने की जरूरत नहीं, अरे हमने दिखा दिया, आप देखा जाएगा कोई हमारा क्या बिगाड़ेगा, दैट्स नॉट फेयर, बिकॉज अल्टीमेटली वी आर अकाउंटेबल टू द व्यूअर। So this probably something that we need to do. Right. तो आपने इस चीज की काफी so fact checking के respect में central issue ये है कि right क्या है, wrong क्या है, right? और आज के तारीख में like people social media पे भी news में people over obsessed लगते हैं कि politics discuss करना, parties discuss करना, politician discuss करना है। तो accordingly मीडिया भी उसके हिसाब से पार्टीजन हो गई है, कोई चैनल्स एक पार्टी को सपोर्ट करते हैं, कोई चैनल्स दूसरे पार्टी को सपोर्ट करते हैं। एंड इट्स नॉट जस्ट इन इंडिया, राइट, लाइक अक्रॉस द वर्ल्ड ये है। लाइक आई थिंक बैक इन 2015 बराक ओबामा ने एक इंटरव्यू में कुछ ऐसा कहा था कि पीपल कैन हैव डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट व्हाट इज अ फैक्ट, अबाउट डिफरेंट फैक्ट्स, बट आज प्रॉब्लम ये है कि लोग ये सोचने लगे कि फैक्ट क्या है, उसी पे लोगों को क्वेश्चन है, राइट? और हमें ये इंडिया में भी दिखता है, चाहे वो गलवान वाला इशू हो या पुलवामा और बालाकोट वाला इशू हो या पॉलिसी इम्प्लीकेशंस ऑफ सीए फार्म बिल्स या कुछ भी जो भी रिसेंटली चल रहा है, कि इसमें एक्चुअली लाइक रियलिटी क्या है या व्हाट इज द फैक्ट, उस पे लोग अलाइन नहीं करते हैं, राइट? तो इस पे लाइक ये जो सिचुएशन है, इसमें आपको क्या लगता है कि मॉडर्न मीडिया का क्या रोल है एंड व्हाट कैन लाइक मॉडर्न मीडिया हाउसेस डू के जिससे लोगों को ज्यादा ट्रस्ट आए कि अच्छा चलो ये इशू है, ओपिनियन हम खुद का बना लेंगे, बट इशू पे एटलीस्ट कम से कम कंसेंसस हो। दो एस्पेक्ट है इसके, एक एस्पेक्ट तो है जैसे आपने कहा गलवान का एग्जांपल दिया, ठीक है, ये वो एरियाज हैं जहां पर मीडिया को कोई एक्सेस नहीं, हम सैटेलाइट पिक्चर्स के बेसिस पे कोई फैसला ले दें, और इसमें हमको बायलाज ऐसे इश्यूज में अपनी सरकार पर, अपनी फौज पर भरोसा करना चाहिए, जो वो कहें उसका विश्वास करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि हम अपनी आर्मी को, हम अपनी नेवी को, हम अपनी एयरफोर्स को वो जो कह रहे हैं उस पर विश्वास था, क्यों? अगर कोई इंफॉर्मेशन कोई फ्रंटलाइन पर है तो वही है, और गवर्नमेंट को कोई बता रहा है तो वही है। इस तरह से अलग अलग चीजों में अलग अलग चीजें वेरी करती हैं, अलग अलग चीजों में अलग अलग तरीके होते हैं किसी को चेक करने के। अब हाथरस की घटना हुई, क्या बलात्कार हुआ नहीं हुआ, दिस इज समथिंग द रिपोर्टर्स कैन गो एंड असेस, गो एंड टॉक टू पीपल, सी द विक्टिम्स, एंड और लगे कि अगर पुलिस इतने लेग्जिटी कर रही है तो फिर दे गो ऑल द वे। अब इसके दो हिस्से होते हैं, कुछ लोग इसको कहते हैं कि मीडिया ट्रायल, किसी को साबूत हो, किसी को सबूत मिले नहीं मिले कोर्ट का फैसला है, आप कौन होते हैं ये कहने वाले। लेकिन बहुत सारे उदाहरण हमने देखे हैं, एक एग्जांपल जैसे हम सब जानते हैं जेसिका लाल मर्डर केस का है, अगर मीडिया प्रोएक्टिव रोल नहीं प्ले करता तो जो एक्यूज है वो तो छूट गए थे, उनको तो कोर्ट ने छोड़ दिया था क्योंकि कोई गवाह खड़ा नहीं हो पाया, ये तो मीडिया ने शोर मचाया, फिर वो केस रीओपन हुआ, फिर वो गवाह सामने आए और दी एक्यूज हैड टू गो टू जेल, लाइफ इंप्रिजनमेंट हुआ। तो अलग अलग केसेस में अलग, अब ये जितने आप मुझे कोई स्पेसिफिक केस पूछेंगे मैं आपको बताऊंगा कि इस केस में ऐसा हुआ, बट बाय एंड लार्ज मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि फैक्ट चेक करें, जहां जरूरत पड़े उसके लिए लड़े। और जो आपने कहा पोलिटिकल पार्टीज का, ये हमारे यहाँ रिसेंट फिनोमिना है कि कुछ लोग एक पार्टीजन लाइन लेते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के फॉलोअर बन जाते हैं और उसकी जो लाइन है उसको टो करते हैं। अब इसको रोका नहीं जा सकता, आप किसी को नहीं रोक सकते कि आप कौन सी लो करें। ये कर सकते हैं कि जो अब तीन तरह के मीडिया हो जाएंगे, एक जो गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, एक मीडिया जो गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे उसकी मुखालफत कर रहे हैं, और तीसरा जो सेंट्रल लाइन ले रहे हैं जो दोनों पक्ष दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है क्रेडिबिलिटी उसकी होती है जो बीच की लाइन लेता है। हमारे देश में जो लाइन लेते हैं उनकी ज्यादा टेम्परेरीली वो दिखता है कि बहुत शोर मचाए, बहुत इनकी नाम हो गया, इनको लोग देख रहे हैं, बट दे डोंट लास्ट लॉन्ग। मेरा बहुत लंबा एक्सपीरियंस है मीडिया में,
उस एक्सपीरियंस के जरिए मैं कह सकता हूं कि जिसने भी एक लाइन टो की या एक बायस रोल प्ले किया, दे डोंट लास्ट वेरी लॉन्ग, राइट। और एक और चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं, उसमें ये जो नया मीडिया है और नई चीज है, इसमें आप लोगों का बहुत रोल है। अगर आपके जैसे इंजीनियर्स, आपके जैसे टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट्स हमें मिल जाएं, वो डिसाइफर करने में बहुत मदद कर सकते हैं। और आजकल हम आपके जैसे लोगों की मदद लेते हैं, राइट। जो आईआईटी के ट्रेंड लोग हैं, सी दे नो दी टेक्निक, दे नो दी टेक्नोलॉजी, जिनको हम आईटी के लोग कहते हैं, उनकी चाहे एडिटोरियल सेंस हो या ना हो, बट दे कैन ऑलवेज गिव यू द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन एंड चेक यू कि कहाँ का वीडियो है, कैसा वीडियो है, किसने अपलोड किया, कब अपलोड किया। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड ऑल ऑफ यू, इट हेल्प्स, राइट। तो